तो फाइनली दोस्तों रियलमी ने ढेर सारी हाइप बनाने के बाद आज अपने सारे IoT डिवाइसेज इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। टीवी की इन्होंने काफी सारी हाइप बनाई। वैसे यहाँ पे आज इन्होंने 4 डिवाइसेज लॉन्च किए इंडिया में, टीवी, वॉच एंड बर्ड्स एयर न्यू, इसके साथ में पावर बैंक। सबसे पहले हम लोग पावर बैंक के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ बात करने को है नहीं। यहाँ पे पावर बैंक की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये 10,000 mAh का एक पावर बैंक इन्होंने लॉन्च किया है। 999 का है, 1,000 रुपए के हिसाब से अच्छा है पावर बैंक। टाइप ए टाइप सी देखने को मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड ये फोन के अलावा और भी डिवाइसेस चार्ज कर सकती है। बस इतना सा पावर बैंक है, आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा पावर बैंक आपको देखने को मिल रहा है। वैसे अच्छा है, 999 के हिसाब से अगर हम बात करें तो अच्छा आपको देखने को मिल जा रहा है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जा रही है तो काफ़ी बढ़िया सी बात हो जाती है। अब बात करते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं, एयरबड्स, नियो, टीवी एंड वॉच। वॉच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी आपको वॉच देखने को मिल जाती है क्योंकि जब मैं पहले सोच रहा था, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जब स्पेक्स लीक होकर के आई थी, ऑलमोस्ट सारी स्पेक्स लीक होकर के आ गई थी, मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बना दी थी। वही स्पेक्स देखने को मिल रही है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। IP68 रेटेड है, आपको 1.4 इंच की एक IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको ब्राइटनेस अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आई थिंक यहाँ पे 380 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जा रही है एंड यहाँ पे आपको 14 प्लस स्पोर्ट्स देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिल जाती है एंड इसके साथ में यहाँ पे SPO2 करके एक नया फीचर है जो कि आपको एप्पल वगैरह की वॉच में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की बात हो रही है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल की बात हो रही है, तो वो भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है इसी वॉच में। एंड इन सारी स्पेक्स को दोस्तों देखते हुए अगर हम बात करें, काफी अच्छी प्राइस यहाँ पर रियलमी ने रखी है एंड इसका जो डायल है वो स्क्वायरिश शेप में है जहाँ पे आपको एक फिजिकल बटन भी देखने को मिल जाता है। तो इस सारी स्पेक्स को अगर हम देखते हुए बात करें तो यार 4,000 में कोई बुरी वॉच नहीं है, काफ़ी एक अच्छी वॉच देखने को मिल जाती है। मतलब सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल जा रही है, सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जा रही है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है मैं इस वॉच को परचेज करूँ। अगर आप इस वीडियो पर काफ़ी अच्छा प्यार दिखाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ मुझे मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसको परचेज करूँगा एंड उसके बाद आपको पूरा इसका अच्छे से रिव्यू दूंगा। मुझे प्राइस के हिसाब से अच्छी लग रही है वॉच, बाकी आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपको ये वॉच कैसी लगी। बात अगर करते हैं दोस्तों एयरबड्स नियो के बारे में तो मुझे ये भी अच्छे लगे, इसकी भी प्राइस मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ पे 3,000 के प्राइस पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं, 2999 इसकी प्राइस रखी गई है एंड इस प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को छोड़ करके बाकी आपको ऑलमोस्ट वैसे ही देखने को मिल जाता है जैसा कि इनका 4,000 रुपए वाला जो बड्स आया था, ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही है। यहाँ पे 1 mm ड्राइवर थोड़ा सा और बेहतर किया गया है, उसमें आपको 12 mm देखने को मिल जाता था, लो लेटेंसी गेमिंग में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। 17 hr का इसमें प्लेबैक बताया जा रहा है एंड 3 hr मतलब बर्ड्स का प्लेबैक बताया जा रहा है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे बर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी लो लेटेंसी के साथ आते हैं। अगर जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे बर्ड्स हो सकते हैं। बाकी इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो बर्ड्स हैं वो मतलब कैसे लगे। वैसे ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इनफैक्ट मुझे बर्ड्स लेने थे तो शायद मैं ये वाले परचेज करूँ। अब दोस्तों आते हैं इनके मेन प्रोडक्ट पे जो कि आज के इवेंट की USP थी, Realme TV। Realme TV इन्होंने दो वेरिएंट में दोस्तों लॉन्च किए हैं, एक तो 32 इंच की है, दूसरी यहाँ पे 43 इंच की देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो इन्होंने 32 इंच की जो टीवी इन्होंने लॉन्च की है वो है वही 13,000 के आसपास, मतलब 12999 की आपको ये देखने को मिल जाती है एंड अगर हम बात करते हैं 43 इंच वाले की तो उसकी जो प्राइस रखी है वो इन्होंने 22,000 रखी है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग इसकी भी बहुत ही अच्छी इन्होंने रखी है एंड आज का इवेंट मुझे अच्छा लगा बेसिकली क्योंकि आज की जो प्राइसिंग है वो भी अच्छी देखने को मिली एंड प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही थे। बात अगर हम करते हैं दोस्तों 32 इंच वाले टीवी की तो ये आपको HD+ स्क्रीन के साथ देखने को मिलती है एंड अगर हम 43 इंच वाले की बात करें तो वो आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले को छोड़ करके जो बचे हुए स्पेक्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको दोनों ही टीवी में देखने को नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको सराउंडिंग से साउंड देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। 4 यूनिट लगे हैं स्पीकर्स के चारों साइड में तो आपको काफ़ी अच्छा एक सराउंडिंग सा मतलब साउंड देखने को मिलेगा। तो अच्छी टीवीज़ हैं मेरे हिसाब से एंड मुझे रिमोट इसका काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक कॉम्पैक्ट सा रिमोट है, क्यूट सा रिमोट है, नेटफ्लिक्स यूट्यूब डायरेक्टली आपको बटन देखने को मिल जाते हैं, एंड्रॉयड टीवी है, सारे ऐप्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे 1 GB रैम के साथ 8 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है।
तो ये कुछ आपको स्पेक्स इन टीवीज की देखने को मिलती है। एंड अगर आप प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं। एंड एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी टीवीज आते हैं उनमें मीडियाटेक का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, तो ये मत समझो कि मीडियाटेक सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित है। स्नैपड्रैगन भले ही स्मार्टफोन तक सीमित है, लेकिन जो मीडियाटेक है वो जितने भी टीवीज़ हैं उन सब में मीडियाटेक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस टीवी में भी मीडियाटेक के प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पे कलर वगैरह भी देखने को मिलेंगे इस टीवी में, जो कि इन्होंने मतलब अपने इवेंट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब वो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टीवी होती है तो एक अलग ही एक्सपोजर होता है बताने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं अभी वर्बली ऐसे बता रहा हूँ। ये सारे स्पेक्स आपको ऑन पेपर देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे आपको कैसी लगी ये टीवीज़ एंड सारे प्रोडक्ट्स रियलमी के, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती है, जिनको आप लोग देख करके काफ़ी कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर नहीं भी सीखते तो यार कर लो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जाकर के आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। एंड बस तब तक के लिए गुड बाय, और इंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी कम है। मैंने देखा कि 90% से अबव लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है, और बहुत सारे लोग मतलब वीडियो देखते हैं मेरी, तो सब्सक्राइब करना बनता है।